डॉक्टर संजीव कुमार हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के बारे में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बन गया है कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों हो रहा है, ये कोई नई बीमारी है। तो इसके बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि यह है क्या। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोविड चला गया तो ब्लैक फंगस आ गया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। ब्लैक फंगस जो है वो हर इंसान के अंदर होता है, मेरे भीतर भी है, जितने भी लोग हैं उनके भीतर। और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स हैं वो वातावरण में हर जगह हैं, हवा में इसके स्पोर्स होते हैं। इसको आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा लीजिए या रोटी का टुकड़ा है, कोई भी चीज़, उसको किसी नम स्थान पर रख दीजिए जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो। 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि उस पर ब्लैक ब्लैक से पाउडर जैसी कोई चीज़ आ जाती है। वो जो ब्लैक पाउडर सी चीज़ आ गई है वही ब्लैक फंगस और उसके स्पोर्स होते हैं। तो अब आप सोचिए कि वो फंगस उस पर कैसे ग्रो हुआ। सिंपल सी बात है कि उस फंगस को ग्रो होने के लिए किसी भी इन्फेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वायरमेंट में मौजूद है स्पोर्ट्स, वही स्पोर्ट्स उस न्यूट्रिशन के ऊपर ग्रो करते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक फंगस ग्रो करने लगता है। तो इतनी सी बात है। अब ये कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा कैसे हो गया, इसके 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर जिसका है, और अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहा दवाइयों के बाद, इंसुलिन के बाद, उन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ये जो फंगस है ये एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि शुगर लविंग फंगस है। अगर आपके ब्लड में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये फंगस को ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरी बात ये है कि ब्लैक फंगस उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। अब ये इम्यूनिटी वीक है इसका मतलब ये नहीं है कि आप तमाम तरह की इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीज़ें खाना शुरू कर दें। उस तरह की इम्यूनिटी वीक नहीं होनी चाहिए, उस तरह की वीक इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। वीक इम्यूनिटी का मतलब है कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसका मतलब होता है, ये एक स्पेसिफिक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि मरीज को किसी तरह की ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। जैसे कि कैंसर, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, SLE, इस तरह की बीमारियों में क्या होता है कि मरीज को बहुत तरह की इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं और इन इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयों की वजह से उसकी इम्यूनिटी नॉर्मल से कम हो जाती है। तीसरी बात, ऐसे मरीज जो क्रोनिकली हाई डोज स्टेरॉइड ले रहे हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं लंग डिसऑर्डर के, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ वगैरह के, या फिर कुछ किडनी डिजीज़ के, या फिर कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के, जिसमें हम लोग प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टीरॉयड पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। उस कंडीशन में स्टीरॉयड आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, कम्प्लीटली शट डाउन नहीं करता है बट सप्रेस कर देता है। सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन बिल्कुल आसानी से हो सकता है। चौथी बात यह है कि कोविड के दौरान ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोविड में बहुत हाई डोज पे स्टेरॉयड पेशेंट्स को दी जा रही है और मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स में स्टेरॉयड जब दी जा रही है ज़्यादा, तो उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो उनका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर रहा है, और दूसरा स्टेरॉयड क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये दोनों चीज़ें बहुत एडिक्वेट हैं किसी भी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, और उसी वजह से ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तीसरा एक कारण है कोविड इन्फेक्शन में पेशेंट्स को ब्लैक फंगस होने का, वो है न्यूट्रोपिनिया। होता क्या है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरल इन्फेक्शन जैसे जैसे क्योर हो जाता है, क्योर होने के बाद पेशेंट की बॉडी में न्यूट्रोफिल काउंट्स कम हो जाते हैं। ये एक पोस्ट वायरल साइड इफ़ेक्ट के तौर पे आप इसको कह सकते हैं, इसके मैकेनिज़म्स अलग अलग होते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो जिन भी पेशेंट्स में न्यूट्रोफिल काउंट्स कम हैं, नॉर्मल से कम हैं, वो पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोन होते हैं ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के लिए।
और ये कोविड में देखा जा रहा है कि पेशेंट्स में न्यूट्रोफिल काउंट्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है। अब ये जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है ना, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, इवन ये हार्ट हार्ट में भी ब्लैक फंगस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मोस्ट कॉमन इसका जो इन्फेक्शन है जो कोविड की वजह से हो रहा है वो है राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस, मतलब कि ये जो जगह है आपकी, ये जो जगह है ना, यहाँ पे होता है मैक्सिलरी साइनस, और ये मैक्सिलरी साइनस एक एक खाली डब्बा जैसा स्ट्रक्चर है जो आपके नाक से जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप हवा नाक से लेते हैं तो वो हवा आपके लंग्स में तो जाती है, वो हवा यहाँ से साइड में इसमें भी जाती है। तो वो जो फंगस के स्पोर्स हैं, अगर आप सांस लेंगे तो वो स्पोर यहाँ जाके जमा हो जाएगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पे वो पड़ा रहेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, और जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, हाई डोज स्टेरॉइड पे है, न्यूट्रोपिनिया है, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उस कंडीशन में ये फंगस यहाँ पे ग्रो करने लगता है। अब ये फंगस, ये एक बहुत लिमिटेड स्पेस है ना, तो इस जगह पे जब ये फंगस ग्रो करेगा तो क्या होगा, और ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ग्रो करने की, तो जब ये ग्रो करता है तो इसको स्पेस चाहिए। अब ये स्पेस इसके पास है नहीं, ग्रो करते करते इसने इस जगह को पूरा भर दिया। भरने के बाद क्या होता है कि ये जो आसपास खून की नलियाँ होती हैं, उन खून की नलियों में ये इन्वेड करके जाने लगता है। खून की नलियों में इन्वेड करके जाएगा तो वहाँ जाके ये क्लॉट बना देगा, और क्लॉट बनाने से क्या होगा कि उस पूरे एरिया की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। जैसे ही उस एरिया की ब्लड सप्लाई बंद होगी, उस एरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वो एरिया नेक्रोस्ट होने लगेगा। नेक्रोस्ट का मतलब एक तरह से मर जाएगा, डेड हो जाएगा। और ये फंगस ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो करते करते अब एरिया डेड हो गया, डेड होने से सारी चीज़ें वीक हो गई, वीक होने की वजह से क्या होता है, वो फंगस इन्वेड करके ऊपर आ जाता है आँखों में, और फिर आँखों में ग्रो करने से क्या होता है ना, ये आँखें जो हैं ये बाहर की तरफ निकलने लगी, ये प्रॉप्टोसिस बोलते हैं। तो हो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बाहर से कैसे पता चलती हैं, बाहर से पता चलती हैं कि ये सारा एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, लाल हो जाएगा, गर्म होगा, यहाँ पे पेन होगा टच करने पे, है ना, किसी भी एक साइड में ये पूरा एरिया है ना, या फिर ये पूरा एरिया, दोनों में से एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। तो या फिर यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगेंगे, या फिर आपकी आँखें बाहर की तरफ आने लगेंगी, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है कि आपको एक ENT के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, है ना, ईयर नोज़ एंड थ्रोट, ऑटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, आपको उनको दिखाना पड़ेगा। और वो क्या करते हैं कि एक सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करेंगे फेस का, फेस के सीटी स्कैन, फेस एंड PNS का, पैरानेजल साइनसिस का, उसमें ये चीज़ें दिखती हैं कि इन साइनस के अंदर कुछ फिल्ड तो नहीं है, कुछ भरा हुआ तो नहीं है। अगर कुछ भी भरा हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें एंडोस्कोपिक बायोप्सी करनी पड़ती है। हम यहाँ से एक एंडोस्कोप डालते हैं, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से एक छोटा सा पीस बाहर निकालते हैं और उसको लैब में टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या है, फंगस है या नहीं है। अगर ये फंगस है तो फिर इसका जो थर्ड स्टेप है वो है सर्जिकल डिब्राइडमेंट, सर्जरी करके इसको क्लियर करना पड़ता है। और सर्जरी करने के बाद फिर हम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि अलग अलग दवाइयाँ हैं, एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल वगैरह, वो सब सर्जरी के बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर ये है तो हमें ENT के डॉक्टर को दिखाना है, दिखाने के बाद हम सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन करने के बाद अगर हमें सस्पेक्टेड है तो फिर हम बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में अगर आता है देन हम उसकी सर्जरी करेंगे, और सर्जरी करने के बाद हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को करेंगे तब जाके ये ठीक होगा। हो क्या रहा है, ऐसे देखने में आ रहा है कि पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे ही ब्लैक फंगस पता चला, एम्फोटेरिसिन बी की खोज शुरू हो जा रही है। और एम्फोटेरिसिन बी आप लेते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम्फोटेरिसिन बी लेने से ब्लैक फंगस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत माइल्डली कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, इसका जो इलाज है, वो सर्जरी ही है। आप एम्फोटेरिसिन बी लेके अगर ये सोच रहे हैं कि वो ठीक हो गया या वो ठीक हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो आपकी आँख बाहर आ जाएगी, और वो अगर डिसेमिनेट होके ब्लड में चला गया और आपकी बॉडी में और पार्ट्स को इन्फेक्ट कर दिया, लंग्स वगैरह को इन्फेक्ट कर दिया, तो ब्लैक फंगस की मोर्टैलिटी बहुत हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिसिन बी या पोसाकोनाजोल देने से पेशेंट ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे,
उसका उसका बहुत लिमिटेड रोल है। और एम्फोटेरिसिन बी तो ड्रग ऑफ मैंने फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में भी नहीं आता है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो है इसका वो सर्जरी ही है, चाहे वो म्यूकर लंग में हुआ हो, चाहे म्यूकर राइनोऑर्बिटल हुआ हो, किसी भी तरह के म्यूकर का जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है वो सर्जरी ही है। इसलिए अगर किसी भी मरीज को इस तरह के लक्षण आते हैं तो वो व्यक्ति सीधे ENT के डॉक्टर को कंसल्ट करे, ENT के डॉक्टर से सलाह ले। उसकी सलाह लेने के बाद अगर वो कहते हैं कि आपको CT स्कैन कराने की ज़रूरत है तो CT स्कैन कराइए। CT स्कैन में अगर कुछ आता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए जो कि बायोप्सी है। अगर उसमें कुछ आता है तो अगले स्टेप पे जाइए जो कि सर्जरी है, और सर्जरी के बाद आपको मेडिकेशंस लेना है। तो बेसिकली इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम इस ब्लैक फंगस को बीट कर पाएंगे, इससे बच पाएंगे, और इसके इन्फेक्शन को हम समय रहते कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे हमारी बॉडी को कोई ऐसा नुकसान ना हो कि हमें कोई ऑर्गन लूज़ करना पड़े या हमें अपनी आँख निकलवानी पड़े या कुछ करना पड़े। तो बस इतनी सी बात है, इसका ध्यान रखिए और ज़्यादा परेशान मत होइए। बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागिए मत, बहुत सारा कालाबाजारी हो रहा है दवाइयों का। अब एम्फोटेरिसिन बी खरीद खरीद के मत स्टॉक करिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत है उनके लिए रहने दीजिए, और आपको ज़रूरत है या नहीं है इस बेसिस पे एंटिसिपेट करके कि हमको ज़रूरत पड़ी तब क्या करेंगे या तब क्या नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको ज़रूरत है वो उन लोगों की जान चली जाएगी। तो ऐसा मत करिए, जब आपको ज़रूरत होगी उस समय आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन अभी के लिए इसके इसको स्टॉक मत करिए। ये दवाई बहुत काम की है और ये दवाई ज़रूरी है उन मरीजों को देने के को जिनको कि अभी जस्ट सर्जरी किया गया है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और ब्लैक फंगस से कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, रिलैक्स रहिए, इसका इलाज है, समय रहते बस आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू।